कर दिया, उसके लिए चौलाई पहुंचते हुए कि हर जिंदगी आपसे पूजन कार्यक्रम में उपस्थित। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चांपा का हसदेव नदी और पूरे छत्तीसगढ़ में यहां छठ पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और यहां आप देख ही सकते हैं कि जो पब्लिक की भीड़ है वो काफी ज्यादा है, सुरक्षा बल का भी विशेष ध्यान में रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर बोर्ड लगी हुई है, भोजपुरी सेवा समाज जांजगीर चांपा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज है 30 अक्टूबर यानी कि छठ पर्व का तीसरा दिन, टोटल 4 दिन का होता है ये फेस्टिवल। यहाँ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, जो पब्लिक है वो पास से भी और दूर से भी यहाँ पे पहुंची हुई है। और अभी जो सूर्य देव है उनका जो सूर्यास्त होता है उनका पूजन पे अभी लगे हुए हैं। तो यहाँ नीचे आप पूजा में उपयोग करने वाली सामग्रियों को देख सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि हमारी हिंदू महिलाएं छठ पूजन के लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे दीप जलते हुए सामने आप देख सकते हैं कि विशेष अतिथि के रूप में नारायण चंदेल जी और भी नेता यहाँ पे उपस्थित हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि चांपा के हसदेव नदी के छठ घाट में छठ पूजा का शुभारंभ हुआ और आज था सूर्यास्त का पूजा और कल सुबह होगी सूर्योदय की पूजा। तो चलिए लोगों से पूछते हैं छठ पूजा के बारे में। तो क्या होता है छठ पर्व में आप बताएंगे क्या? 3 दिन हम लोग व्रत रखते हैं। 3 दिन तक व्रत रखते हो? हाँ, 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन हम लोग लौकी और चने की दाल और चावल खाते हैं। अच्छा। दूसरे दिन खीर और पूरी खाते हैं और तीसरे दिन पूरा दिन उपवास रहता है, मतलब पानी भी नहीं पीना है। हाँ। और फिर तीसरे चौथे दिन सुबह में अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। अच्छा, मतलब आज तीसरा दिन था ना? हाँ, तीसरा दिन है, कल सुबह में हम लोग। ऐसा, मतलब आज पूरा दिन उपवास रहते हो आप लोग? तो इसमें किनकी पूजा की जाती है? सूर्य देव की। अच्छा, तो ये थी हमारी छठ पर्व की पूजन की एक छोटी सी वीडियो। जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में, भूलिएगा मत जग्गा की व्लॉगें। अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों